क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपने फ्रेंड को कोई मैसेज भेजते हैं, आपके फ्रेंड को वो मैसेज पढ़ने से पहले बीच में कोई तीसरा पर्सन उस मैसेज को पढ़ ले। इसे प्रोटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है इंक्रिप्शन। तो आखिर ये इंक्रिप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशान चौधरी, आप देख रहे हैं निशान भारत। लेट्स स्टार्ट। हमने कई बार व्हाट्सएप में, फेसबुक मैसेंजर में या फिर किसी और चैटिंग ऐप में, या फिर अगर आप कोई वेबसाइट विजिट करते हैं, आपने वहाँ पर HTTP में जैसे आपने क्लिक किया हुआ तो आप वहाँ पर देखा हुआ एंड टू एंड इंक्रिप्शन। तो आखिर ये इंक्रिप्शन होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं इंक्रिप्शन की, तो आखिर इंक्रिप्शन होता क्या है। मान लो आपने अपने किसी फ्रेंड को कोई फाइल भेजी, यानी कि मान लो आपने PDF फाइल अपने फ्रेंड को भेजी, तो आप अगर उस PDF फाइल में अगर पासवर्ड लगा देते हैं तो बीच में उसमें कोई तीसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, क्योंकि उसकी पासवर्ड सिर्फ आपको पता है और आपके फ्रेंड को पता है। ठीक, इसी तरह इंक्रिप्शन को काम लिया जाता है। जैसे आप अपने कोई मैसेज अपने फ्रेंड को भेजते हैं तो वो आपको व्हाट्सएप है या फिर आपको दूसरा मैसेजिंग ऐप चाहे फेसबुक हो, वो जैसे आप मैसेज टाइप करते हैं उसे जैसे सेंड पर क्लिक करते हैं, आपको जो सिस्टम है वो उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर देता है और जो सामने वाले के पास उसका डिकोड करने के लिए पासवर्ड होता है। जैसे आप वो मैसेज उसको भेजते हैं, सामने वाला उसे डिकोड कर लेता है, यानी कि उसके पास पहले से उसकी इंक्रिप्शन की होती है जिसके जरिए वो उसे डिकोड कर लेता है। अगर मान लो ये मैसेज बीच में किसी तीसरे व्यक्ति को मिला, यानी कि आपके सिस्टम ने उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर दिया है, यानी कि इंक्रिप्शन की लगा दी है उसमें, वो मैसेज बीच में तीसरे इंसान को मिले तो वो उसे डिकोड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसके पास उसकी इंक्रिप्शन की नहीं है, इसलिए वो उस मैसेज को नहीं पढ़ सकता। ये होता है इंक्रिप्शन। अगर आपने कोई मैसेज अपने से किसी अपने फ्रेंड को भेजा तो आपने किसी सिस्टम ने उसे ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया। जैसे ही वो मैसेज आपके फ्रेंड के पास रिसीव होता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे डिकोड कर देता है, यानी कि आपके सिस्टम में उसे डिस्प्ले करा देता है। ठीक, ऐसे ही वहाँ से होता है, जैसे उसने आपके पास मैसेज भेजा तो वो मैसेज सीधा आपके पास आता है, आपका सिस्टम उसे डिकोड करता है और आप उसे पढ़ लेते हैं। ठीक, ऐसे ही अगर ग्रुप की बात करें, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में अगर हम बात करें तो उसमें भी ठीक ऐसे ही व्हाट्सएप इंक्रिप्शन को काम में लिया जाता है। फिर बात करें कि हमें इंक्रिप्शन की तीन जरूरत क्यों पड़ती है। इंक्रिप्शन का एक फायदा ये है कि इससे बीच में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ता, यानी कि आपका डेटा सेफ रहेगा, आपकी प्राइवेसी को कोई ज़्यादा खतरा नहीं होगा। मगर क्या बात करें कि क्या इंक्रिप्शन को हैक किया जा सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि कई सारे टूल्स अवेलेबल या फिर कई बड़े एक्सपर्ट होते हैं जो इन्हीं इंक्रिप्शन को आसानी से हैक कर लेते हैं, यानी कि डिकोड कर लेते हैं। यानी कि अब उन्हें अगर पता होगी इस सिस्टम में क्या की काम मिली गई है, यानी कि इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए इसमें क्या की काम मिली गई है, तो वो उस मैसेज को आसानी से डिकोड कर सकता है और आपका मैसेज लीक भी हो सकता है। यानी कि आपने अगर कोई मैसेज अपने फ्रेंड को भेजा, वैसे तो वो इनकी क्रिप्टेड है, मगर कोई अगर एक्सपर्ट है तो वो उस की से उसे डिकोड कर सकता है और आपके मैसेज को पढ़ सकता है। ये होता है इंक्रिप्शन। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता चल चुका इंक्रिप्शन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को अपने YouTube चैनल पर डी अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो डाउनलोड करके डी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं कोई कॉपीराइट नहीं देने वाला हूं।